गाइस मैं कह रहा जो आप देखे करें रिएक्शन आज जिस पे फाइट रिएक्शन करने वाला गाइस वो है रिया चक्रवर्ती का कैच आई मीन महाराष्ट्र मूवी की फाइट सीन। तो गाइस महेश बाबू की मूवी है ये मूवी के लिए भाई इस पे मूवी देख के रिव्यू करने के लिए भाई बहुत सारे लोग जितना मेरे सब्सक्राइबर बोल रहे हैं एंड इस पर फाइट सीन। तो भाई फाइनली इस पर मैं फाइट सीन पर रिएक्शन देने वाले हूँ। भाई इसको मूवी का काफ़ी टाइम हो गए, कुछ लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे रिव्यू आई डोंट नो, लेकिन भाई आप सबके लिए मैं इस पर मूवी देख के रिव्यू जरूर करूँगा भाई। ठीक है, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहो, प्यार देते रहो एंड भाई इस वीडियो को शेयर करते रहो एंड इस भाई को इतना सपोर्ट करो कि भाई जल्द से जल्द मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो प्लीज़ गाइस अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस भाई को इतना सपोर्ट करें कि भाई कि दिल गार्डन गार्डन हो जाए। तो चलते गए सीधा रिएक्शन पे, उसके बाद ही महेश बाबू के बारे में बात करेंगे एंड इस फाइट सीन पर बात करेंगे। चलते रिएक्शन।
इसको बोलते हैं धमाकेदार फाइट। भाई महेश बाबू शहर से उनके रवि के गांव आते हैं और भाई उस बच्चे से पूछते हैं कि रवि किधर है, जिसे बच्चे बोलते हैं उधर है, और तो भाई और महेश बाबू डॉट हो जाता है। हालांकि उस बच्चे को पहले से पता रहता है कि कुछ गड़बड़ है, असर गड़बड़ इनको मारने के लिए आया है रवि को। तो भाई जैसे बोलते हैं बच्चा कि भाई रवि इधर है, तो महेश बाबू दौड़ते हुए जाते हैं एंड उनको कपड़ा वगैरह मिलता है। और उसके बाद महेश बाबू पूरा शक है तो कुछ गड़बड़ है। उसके बाद जो एंट्री होती है महेश बाबू के एंड उनकी फ्रेंड के दोनों एक साथ में, भाई आंखों के सामने जो चाकू जो मारता है ना भाई, दिल दहल जाता है एकदम, बोलते हैं दिल दहल जाना दहल जाता है। तो गाइस अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वेल आइकन जरूर दबाएं जो हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो भाई दूसरी जो सीन थी, शुरू में थोड़ा सा फाइट ऊपर नीचे लगा, दोनों साइड से ऊपर नीचे लगा, लेकिन दूसरे जो सीन में भाई जो दूसरा जो चाकू मारता है उसके बाद जो क्या बोलते हैं उसको जो खेत में जो हल चलता है उससे जो मारते हैं ना भाई, भयंकर वाला मुझे लगता है। और जो हल्का जो निकला हुआ था आगे से हम वो घुसर देंगे, गजब भाई उठा जो जैसे मारता है उस पर आदमी टंग जाता है, उस बिलन टंग जाता है। उसके बाद जितना उसको बिलन सारा बिलन उसके ऊपर एक साथ में उठा कर फेंक देता है, वो सीन धमाकेदार सुपर हिट सीन थी। एंड फिर भी उसके बाद दूसरा सीन जो थी भाई, तीसरा जो सीन थी उसको जो निकालता है भाई, बोलता है बस दो मिनट बोलता है महेश बाबू, बोलते हैं बस 2 मिनट रवि। उसको जो निकालता है वो क्या बोलते हैं उसको बैलगाड़ी के जो पहिए के अंदर जो चाकू रहता है भाई, उछड़ा रहता है उस चाकू से सबको जो मारता है भाई, वो सीन तो भाई बवाल, थिएटर में आग लगाने वाला ये सीन थी भाई, मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसे कि महाराष्ट्र मूवी मैं नाम बहुत सुना भाई, इसको रिव्यू करने के लिए बोल रहे हैं तो गाइस मैं इसको जरूर रिव्यू करूंगा, आज नहीं तो कल ड्रीम गर्ल, आज नहीं तो कल भाई इस पर रिएक्शन जरूर करूंगा। तो भाई जितना महेश बाबू को फैन है भाई, अब मुझे पता है कि महेश बाबू को मतलब हद से ज़्यादा फैन है, मुझे पता है। हालांकि मैं महेश बाबू को बहुत सारा मूवी देखा हूँ, हालांकि वो इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो करता हूँ भाई महेश बाबू को। तो प्लीज़ भाई इस भाई को चैनल को सब्सक्राइब करें एंड देखते भाई महेश बाबू कितना प्यार, जितना फैंस से मुझे प्यार दे पाते हैं कि इस वीडियो पे 15-20 हज़ार व्यूज मिल गए हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड भाई तो वो यूट्यूब पर अभी तो नया हूँ इसलिए इतना कम डिमांड कर रहा हूँ। एंड सब्सक्राइबर भाई मोनेटाइज करवाओ यार, क्या इस भाई को तड़पा रहे हो बच्चे की तरह। तो भाई चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड महाराष्ट्र मूवी के भाई उस पर मैं रिएक्शन जरूर दूंगा यार, क्योंकि आप लोग डिमांड किए हो, जरूर दूंगा। चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए पीस आउट। होने से बोलिएगा जो बोले जोरदार, जय महेश बाबू, पीस आउट।